बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगु है। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार बच्चा पैदा करने वाले हमीच, फिर अमित शाह, ओहो अमित शाह 1 और उनके 6 बहनावां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करने वाले। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा कर लिया। वाह। हाँ अशोक सिंगल, हाँ नौजवान नहीं जानते अशोक सिंगल को, पुराने लोग जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंगल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7 7 7 7। अच्छा है भाई। आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ? हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बहुत बड़े बातें करते हैं, ओ पूछो मत, हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे बोलो आप, बोलो आप, हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है, तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को 4 मीनार भी दिया है, हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, सवारे हैं, हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ हमको निकालने वाला। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। मरने के बाद इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वालों का नाम मुसलमान है।